हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विंडो एसी की सर्विस हम घर पर कैसे कर सकते हैं। विंडो एसी की सर्विस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में एसी को बंद करने से पहले इसकी सर्विस करना ज़रूरी होता है। आप देखिए, इसका जो है डस्ट फिल्टर है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो चुकी है। आप इसकी कूलिंग कॉइल की कंडीशन देख सकते हैं। कूलिंग कॉइल पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ चुकी है। कूलिंग कॉइल पूरी तरह से चोक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं तो दोबारा गर्मी में इसको हटाना मुश्किल हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी तरह से जम जाती है, आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल की कंडीशन। और इसके जो साथ में कॉपर की पाइप है, उस पर भी शोरा आ चुका है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये शोरा जो होता है, जो कॉपर को ख़राब कर देता है और आपके एसी की गैस लीकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इससे। तो इसलिए हमको इसको साफ़ करना चाहिए अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको सर्विस करने से पहले हमको जो आपका एसी का कनेक्शन होता है उसको हटाना होता है। आप देख सकते हैं, हम इसकी स्टेबलाइजर से इसकी वायर निकाल रहे हैं। आपके एसी की स्विच ऑफ होनी चाहिए उस टाइम, और उसके बाद हम इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको उतारेंगे। इसके साइड में दो स्क्रू लगे रहते हैं, कुछ इस तरह से इसको निकाला जाता है, आप देख सकते हैं। हमने इसके दोनों स्क्रू को निकाल लिया है और उसके बाद हम इसको पैनल को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साइड में चार लॉक होते हैं, इसको हम निकालेंगे, ये काफ़ी आसानी से बाहर आ जाती है। इसके लॉक को पहले हमको हटाना होता है। अगर हम इसको ऐसे ही खींच लेते हैं तो आपके लॉक टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये काफ़ी आसानी से आ जाती है। हम इस तरह से इसको बाहर निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं इसके ये चार लॉक है इसकी साइड में, इनको बाहर निकालना होता है। फ्रेंड्स, आपने एसी को बीच में से पकड़कर बाहर की तरफ खींचना होता है, सेंटर में से पकड़ना होता है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया। आप एसी की कंडीशन देख सकते हैं, आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। आप कंप्रेसर वगैरह की कंडीशन देख सकते हैं, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। आप देखेंगे कितनी डस्ट है हमारे एसी में, एसी में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई है, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं इसके फ़ैन की कंडीशन, कूलिंग कॉइल और इसके कॉपर के जो पाइप हैं, इनको देख सकते हैं आप। एसी को आप चारों तरफ से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमको क्या करना है, इसके जो स्क्रू हैं ऊपर की तरफ से, इनको हटाना है। सबसे पहले हम इसको जल्दी से हटा लेते हैं। इन स्क्रू को हटाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड को फास्ट कर दिया है। आपने इन सभी स्क्रू को एक जगह पर इकट्ठे रख लेना है। आपने ये सभी के सभी स्क्रू दोबारा उसी जगह पर लगाने हैं। अगर आपके कुछ स्क्रू मिस हो जाते हैं तो आपके एसी में आवाज़ आने के चांसेस रहते हैं। हमने सभी स्क्रू को संभाल कर रख लेना है, और उसके बाद जो एसी का ऊपर का कवर है, हम इसको हटाएंगे। इसको हटाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, स्क्रू ओपन होने के बाद ये आसानी से हट जाता है। हम इस तरह से इसको हटा देंगे। आप नीचे से एसी की कंडीशन देख सकते हैं, जिस तरह से एसी ओपन हो जाता है, और आप इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है। और ये इसकी कूलिंग कॉइल है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और बाहर से ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और साइड में जो एसी की पीसीबी होती है, एसी की पीसीबी में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके एसी की पीसीबी में पानी चला जाता है तो एसी के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमको क्या करना है फ्रेंड्स, एसी को इस तरफ से हमको ऊपर की तरफ उठाना है, और नीचे हम इसके ईंट वगैरह लगा सकते हैं ताकि इस जगह पर पानी ना जाए। इस साइड से एसी ऊपर होना चाहिए, और एसी में कहीं भी पानी नहीं जाता, सिर्फ जो पीसीबी को हमने पानी लगने से बचाना होता है। अगर आपको सर्विस करते समय आपकी पीसीबी में थोड़ा बहुत पानी चला भी जाए किसी कारण से, तो आपको 2 से 3 घंटे के लिए एसी को नहीं चलाना है, और ड्रायर की मदद से हम पानी को सुखा भी सकते हैं। एसी को साफ़ करने के लिए हमको एक ये यूज्ड ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी अपना पुराना ब्रश ले सकते हैं, और एक पानी का पाइप चाहिए हमको। हम इसकी कूलिंग कॉइल पर डायरेक्ट पानी डालेंगे, इससे क्या है ये मिट्टी हट जाएगी। कुछ इस तरह से हमको इस पर पानी डालना है,
पानी डालने के बाद ये मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से हम इस पर पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रश से साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम इसको साफ़ करना है, आपने इसको सेम डायरेक्शन में ही साफ़ करना है। आप नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ इसको साफ़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ही आप इसको साफ़ करेंगे। ब्रश से साफ़ करने के बाद आपको पानी से धो देना है इसको अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल जो है कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, हमने इसको एक तरफ से साफ़ कर दिया है। इस तरह से हमने इस पर पानी डालना है। अगर आपको लगे तो आप दोबारा भी इस पर ब्रश मार सकते हैं। ये एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का सेंसर है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल कर इसको हम साइड में कर देते हैं ताकि आप कूलिंग कॉइल को अच्छे से साफ़ कर सकें। आप देख सकते हैं इसकी कूलिंग कॉइल काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है, इसमें पूरी गंदगी हट चुकी है। इसी तरह से हम इसी के हीटिंग कंडेंसर को भी साफ़ करेंगे। इसका हीटिंग कंडेंसर बाहर की तरफ होने से इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ चुकी है। कूलिंग कॉइल की तरह ही हम इसको भी साफ़ करेंगे। ये एसी की फ़ैन मोटर है, अगर आपके एसी में भी इसी तरह की फ़ैन मोटर है तो आप इस पर पानी डाल सकते हैं। ये सील्ड होती है, इसमें पानी नहीं जाता। जे वाला बल्ब हर एक एसी में नहीं होता है। हमारे एसी की एक बार गैस लीक हो गई थी तो हमें जे लगवाना पड़ा था गैस चार्जिंग के लिए। जे ज्वाइंट लीक हो गया था जहाँ से, तो जे बल्ब लगाकर इसके थ्रू गैस चार्ज की जाती है। हम इसके हीटिंग कंडेंसर को साफ़ करते हैं सेम कूलिंग कॉइल की तरह ही। पहले हम इस पर पानी डालते हैं, पानी से साफ़ करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रश से साफ़ करेंगे। इससे जो है पूरी मिट्टी इसमें से हट जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इसकी मोटर पर भी पानी डाल दिया है। ये मोटर सील्ड होती है, इसमें पानी नहीं जाता। आप इस मोटर को और कंप्रेसर को भी पानी से साफ कर सकते हैं। पानी से वॉश करने के बाद ही आप देख सकते हैं इसमें कितनी मिट्टी बाहर निकली है। और अब हम इसको ब्रश से साफ़ करेंगे। एक बार पानी से वॉश करने से ही ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है। अभी हम इसको ब्रश से साफ़ करेंगे दोबारा से।
जो कॉपर के पाइप को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, जो भी इस पर शोरा वगैरह गंदगी है उसको हम हटा देंगे। शोरे से ये पाइप ख़राब हो जाते हैं और आपके एसी की गैस लीकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी है। अभी हम एसी के ब्लोअर को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। एसी के ब्लोअर पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसको साफ़ करने से फ़ैन की स्पीड भी तेज़ हो जाती है। एसी के जो नीचे की ट्रे होती है उसको हम एक कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। जो भी इस पर मिट्टी जमी होती है वो कपड़े से ही साफ़ होती है, इसको हम इससे साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कार वॉशर है तो आप उससे भी एसी की सर्विस कर सकते हैं। आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपके पीसीबी में पानी नहीं जाना चाहिए। एसी की पीसीबी में अगर पानी चला गया तो एसी ख़राब हो सकता है, पीसीबी को पानी से बचाना है। आप देख सकते हैं हमने एसी को चारों तरफ से साफ़ कर दिया है, एसी की सर्विस हो चुकी है। आप पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन देख सकते हैं एसी की, आप नीचे से भी देख सकते हैं एसी को हमने पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। आप हीटिंग कंडेंसर को देखिए, इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट थी और अब ये कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। इसी तरह से आप भी अपने घर पर एसी की सर्विस कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ पीसीबी को पानी से बचाना है और एसी को कुछ भी नहीं होता, आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए, इसमें आपको टू रो कॉपर पाइप है, ये 3 स्टार एसी है। अगर आप 5 स्टार में जाते हैं तो आपको 3 रो कॉपर पाइप मिलती है। ये इसका ऊपर का कवर है, हम इसको उसी तरह से लगा देंगे जिस तरह से हमने इसको ओपन किया था। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से फिट कर दिया है और पूरे स्क्रू लगा दिए हैं। आप इसकी कॉइल देख सकते हैं, ये एसी का फ्रंट पैनल है। आप इसको सिंपल पानी से वॉश कर सकते हैं। अगर आपका ये ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप इसको वॉश करने के लिए हार्पिक का यूज़ भी कर सकते हैं। हार्पिक से ये काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको एसी के कॉपर पर किसी भी किस्म के केमिकल की यूज़ नहीं करना है। कॉपर को केमिकल जो होता है वो कॉपर को ख़राब कर देता है और आपके एसी की लाइफ कम हो जाती है उससे। आप देखिए, हमने एसी को दोबारा उसकी जगह पर लगा दिया है। इस तरह से आप भी अपने घर पर अपने एसी की सर्विस खुद कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।